हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका बुगले लाइव क्लासेस में। और दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोल न्यूट्रिशन के कॉम्प्लिकेशंस। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो जानिएगा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो चलिएगा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने कहा कि सबसे पहला पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सेप्सिस। क्या हो सकता है दोस्तों? सेप्सिस फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखिए, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि अगर पेशेंट को सेप्सिस होता है, हम कह रहे हैं कि टीपीएन करते समय, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते समय, यदि अगर पेशेंट को सेप्सिस होता है तो सेप्सिस का कारण क्या रहेगा, क्यों सेप्सिस होगा, आइए जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं सेप्सिस होने का। तो दोस्तों, हो सकता है हाई ग्लूकोज कंटेंट ऑफ फ्लूड, हाई ग्लूकोज कंटेंट ऑफ फ्लूड, दैट मे बी द रीजन फॉर द सेप्सिस। वीनस एक्सेस डिवाइस कंटामिनेशन, ये भी सेप्सिस का एक दूसरा कारण हो सकता है। दोस्तों, सेप्सिस ना हो इसके लिए जब हम किसी भी पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो पेरेंट्रल रूट से, तो आइए जानते हैं क्या इंटरवेंशन हमें मेंटेन करना चाहिए। तो मॉनिटर द टेम्परेचर, WBC काउंट और इंसर्शन साइट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। जिस क्लाइंट को पेरिफेरल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका WBC काउंट, उसका इंसर्शन साइट हमें चेक करना चाहिए कि कहीं कोई इंफेक्शन का साइन और सिम्टम तो डेवलप नहीं हो गया हो। इसे कहते हैं सेप्सिस। दोस्तों, यदि अगर इसे इंफेक्शन हो गया है, सेप्सिस हो गया है, तो सिंपली हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही WBC काउंट बढ़ जाएगा और इंसर्शन साइट पर भी इंफ्लामेशन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर यानी कि फीवर इज द कॉन्स्टेंट और मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इंफेक्शन। सेकेंड इंटरवेंशन देखिए, मेंटेन स्ट्रिक्ट सर्जिकल असेप्सिस व्हेन चेंजिंग द ड्रेसिंग और ट्यूबिंग। जब कभी भी आप इस पेशेंट का ड्रेसिंग या ट्यूबिंग चेंज करें, तो इस समय आपको स्ट्रिक्ट सर्जिकल असेप्सिस मेंटेन करना चाहिए। कंसीडर द डिक्रीजिंग ग्लूकोज कंटेंट ऑफ फ्लूड, कंसीडर द रिमूवल ऑफ वीनस एक्सेस डिवाइस विद द रिप्लेसमेंट इन अल्टरनेट साइट, कंसीडर द रिमूवल ऑफ वीनस एक्सेस डिवाइस विद रिप्लेसमेंट इन द अल्टरनेट साइट। दोस्तों, यदि अगर वीनस एक्सेस डिवाइस रिमूव किया जाएगा, तो उसकी जगह कुछ अल्टरनेट साइट को यूज किया जा सकता है, ऐसा भी आपको विचार करके रहना है, कंसीडर करना है। दोस्तों, इफ द ब्लड कल्चर इज प्रोवाइड पॉजिटिव, कंसीडर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। और यदि अगर पेशेंट का कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो तुरंत ही हमें फिर उस पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए। कंसीडर द रिमूवल ऑफ वीनस एक्सेस डिवाइस विद रिप्लेसमेंट इन द अल्टरनेट साइट। दोस्तों, यदि अगर सेप्सिस की बात कर रहे हैं, तो साहब हम सेप्सिस से बचने के लिए इंटरवेंशन चेक करते रहे, साइन सिम्टम्स चेक करते रहे, टेम्परेचर हुआ, WBC हुआ, इंसर्शन साइट हुआ, स्ट्रिक्ट असेप्टिक सर्जिकल मेंटेन करें ड्रेसिंग करते समय, ड्रेस ग्लूकोज कंटेंट कम कर दिया जाना चाहिए अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो, अगर जरूरत पड़े तो VAD साइट से चेंज करके दूसरी साइट पर भी लगाया जा सकता है, रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। आवश्यकता हो तो ब्लड कल्चर का रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आ गया हो, तो फिर विदाउट एनी डिले वी नीड टू स्टार्ट द एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कर देना चाहिए। समझ गए दोस्तों? तो ये था सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस। नंबर टू कॉम्प्लिकेशन दोस्तों, पेरिफेरल न्यूट्रिशन की वजह से पेशेंट को हो सकता है साथियों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के
का क्या 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 रीजन हो सकते हैं आइए जानते हैं। इट्रोजेनिक हो सकता है, इफेक्ट ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज जैसे फिस्टुला, डायरिया, वॉमिटिंग, इन सब की वजह से भी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है। अस्टेन मॉनिटर द साइन एंड सिम्टम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ट्रीट द अंडरलाइंग कोज। यदि इनमें से कोई भी कारण से अगर इस पेशेंट का फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा हो तो पेशेंट को आपको क्या करना है, अंडरलाइंग कोज शुड बी ट्रीटेड। साइन सिम्टम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस मॉनिटर करना है। चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द टीएनए एज नेसेसरी, आवश्यकता पड़े तो जो टोटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अंदर दोस्तों क्या किया जा सकता है, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन चेंज करके भी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करके भी और फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से पेशेंट को बचा सकते हो। तो ये था सेकेंड कॉम्प्लिकेशन। आइए जानते हैं थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो दोस्तों पेरेंटल न्यूट्रिशन का थर्ड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया। और आइए जानते हैं यदि हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो क्या 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 कारण हो सकते हैं, कॉज के बारे में बात करते हैं। तो साथियों हमने कहा हाई ग्लूकोज कंटेंट ऑफ फ्लूड, दैट इज ऑल्सो द रीजन, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द हाइपरग्लाइसीमिया। इनसफिशियंट इंसुलिन सिक्रेशन सेकेंड कारण होता है, इनसफिशियंट इंसुलिन सिक्रेशन। दोस्तों हम कह रहे हैं कि पेरेंट्रल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को यदि अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो क्या क्या कारण रहेंगे। तो पहला कारण हमने कहा कि इसका जो कारण रहता है वो रहता है हाई ग्लूकोज कंटेंट प्रोवाइड करना। नंबर टू जो इसका कारण होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो नंबर टू रीजन क्या है इसका, कि इस कंडीशन में हम पेशेंट को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट में बॉडी से इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है और इस वजह से मेनली पेशेंट की बॉडी के अंदर ग्लूकोज काफी हाई हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को, तो आइए जानते हैं क्या क्या इंटरवेंशन अवेलेबल है। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज फ्रिक्वेंटली, डिक्रीज द ग्लूकोज कंटेंट ऑफ फ्लूड इफ पॉसिबल, एडमिनिस्टर द एक्सोजेनस इंसुलिन। दोस्तों ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए तीन इंटरवेंशन अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो फ्रिक्वेंटली आप ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते रहिएगा, आवश्यकता हो तो जो फ्लूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फॉर्मूला आप दे रहे हैं फीडिंग फॉर्मूला, उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को थोड़ा, मात्रा को थोड़ा घटा दीजिएगा और यदि अगर इतनी ही जरूरत हो जाए तो फिर आप एक्सोजेनस इंसुलिन इंजेक्शन भी पेशेंट को लगा सकते हो। देखिएगा दोस्तों पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, आइए जानते हैं। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है साथियों हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया यदि होता है तो इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे कॉमन कॉज होता है एब्रप्टली डिसकंटिन्यूशन ऑफ द टीएनए एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ सेंट्रल वेन, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया इन द पेशेंट विद द पेरेंटल न्यूट्रिशन। साथियों जिस क्लाइंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है उस क्लाइंट को एकदम हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, मोस्टली इसका जो कॉज रहा है, कॉमन कॉज रहा है वो क्या रहा है। दोस्तों हमने कहा कि जिसको सेंट्रल लाइन से न्यूट्रिशन चल रहा था यदि अगर अचानक आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो तो एकदम पेशेंट को क्या हो जाएगा, उस पेशेंट को हो जाएगा बेटा हाइपोग्लाइसीमिया। यदि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए इंटरवेंशन इस, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो आफ्टर डिसकंटिन्यूशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टीएनए स्टेट 10% डेक्सट्रोज एट द सेम रेट, आपको क्या करना है, सेम रेट से 10% डेक्सट्रोज शुरू कर देना है। और यह है वीआईपी क्वेश्चन, याद रखिएगा।
कि जिस पेशेंट को पेरिफेरल न्यूट्रिशन सेंट्रल लाइन से दिया जा रहा है, उस पेशेंट को एज ए कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर एक साथ हटा दें तो आपका जवाब होगा सब हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा, यदि अगर सेंट्रल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, आपका जवाब होगा स्पॉन्टेनियस डिसकंटिन्यूशन ऑफ द टीएनए एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सेंट्रल लाइन। यदि ऐसा ना हो, हम कह रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है दोस्तों, स्टार्ट 10% डेक्सट्रोज एट द सेम रेट आफ्टर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीएनए। टीएनए का डिसकंटिन्यूशन होते ही और आपको 10% डेक्सट्रोज को स्टार्ट करना होता है। ये विशेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्पेशली आप याद रखना। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है पीएन का हाइपरवॉलीमिया। क्या होता है साथियों? हाइपरवॉलीमिया। यदि अगर हाइपरवॉलीमिया एज अ कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसका कोज क्या रहेगा, किस किस कारण से हो सकता है? यह एट्रोजेनिक हो सकता है, अंडरलाइंग डिजीज सच एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर भी इसके कॉजेज हो सकते हैं। यदि अगर हाइपरवॉलीमिया होता है तो क्या इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होते हैं, आइए जानते हैं। मॉनिटर द इंटेक आउटपुट, डेली वेट, सेंट्रल वीनस प्रेशर, ब्रीथ साउंड और पेरिफेरल एडिमा। दोस्तों ये वो इंटरवेंशन हैं जो स्पेशली फ्लूड वॉल्यूम को असेस करने के लिए किए जाएंगे। तो कौन कौन से असेसमेंट्स बॉडी फ्लूड वॉल्यूम को असेस करने के पर्पस से किए जाएंगे, तो आइए इंटेक आउटपुट, डेली वेट, सीवीपी, ब्रीथ साउंड, पेरिफेरल एडिमा। कंसीडर द एडमिनिस्ट्रिंग मोर कंसंट्रेटेड टीएनए सॉल्यूशन। यदि अगर हाइपरवॉलीमिया आपको लग रहा है तो दोस्तों इसके इंटरवेंशन ये कहते हैं कि आपको ज्यादा फ्लूड बढ़ रहा हो तो जो टीएनए सॉल्यूशन आप दे रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि फ्लूड वॉल्यूम कर लिया जाएगा। समझ गए भाई? जिन्होंने लाइक नहीं किया है लेक्चर को वो प्लीज लाइक कर दें और सुपर बुगली होने का प्रमाण दें। नंबर सिक्स कॉम्प्लिकेशन होता है साथियों इसका, सिक्स कॉम्प्लिकेशन देखिए, हाइपर ऑस्मोलर डायूरेसिस। जैसे ही हम गाढ़ा सॉल्यूशन बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो गाढ़ा सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करते ही ब्लड जो होगा उसकी ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, और ब्लड की ऑस्मोलिटी यदि बढ़ी दोस्तों तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर डायूरेसिस। जैसे सर्दियां आती है तो सर्दियों में बच्चे क्या करने लग जाते हैं, ज्यादा सुसू करते हैं। सर्दियों में बच्चे ज्यादा सुसू करते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि सर्दियों में हो जाता है ब्लड गाढ़ा, और गाढ़ा होते ही ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, और ऑस्मोलिटी बढ़ते ही बॉडी की ऑस्मोलिटी को रेगुलेट करने के लिए डायूरेसिस होने लग जाता है। तो वही यहां पर होगा कि आपने जो ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है, टीएनए शुरू कर रखा है, उससे ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ेगी और इस कारण से पेशेंट को हो जाएगा भाई डायूरेसिस। क्लियर? तो डायूरेसिस ना हो, देखिएगा क्या कारण हो सकते हैं, हाई ऑस्मोलिटी ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिएंट्स फ्लूड। इंटरवेंशन देखिए, कंसीडर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ द फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करता हूं, सेवन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फ्रेंड्स हिपेटिक डिसफंक्शन। क्या हो सकता है कि लीवर डिसफंक्शन करने लगे, हिपेटिक डिसफंक्शन। आइए जानते हैं हिपेटिक डिसफंक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फेट रिलेटिव टू प्रोटीन। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और फैट का हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज करने की वजह से भी ऐसा होता है। इंटरवेंशन जान लेते हैं, मॉनिटर द LFT। क्या करना होगा,
एलएफटी मॉनिटर करना हो करना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करें और प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस असेस करिएगा। कंसीडर अल्ट्रेशन इन द फॉर्मूला। आइए जानते हैं नेक्स्ट एट कॉम्प्लिकेशन जो होता है दोस्तों पेरिफेरल न्यूट्रिशन का, वो होता है हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया यानी कि हाइपरकार्बिया का मींस होता है दोस्तों ब्लड में कार्बन का कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यू नो दैट हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ फ्लूड, जो फ्लूड एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, और यदि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर करोगे तो इससे ब्लड के अंदर कार्बन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इसे कहते हैं दोस्तों हाइपरकार्बिया। ऐसा कंट्रोल किया जा सकता है चेंजिंग द फॉर्मूला टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द फैट रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जगह हम क्या कर सकते हैं, फैट थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है और कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। साथियों नंबर 10 कॉम्प्लिकेशन देखिएगा, इसका 10th कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों लिपिड इंटॉलरेंस। नंबर 10th कॉम्प्लिकेशन देखिए लिपिड इंटॉलरेंस। लिपिड इंटॉलरेंस के क्या क्या रीजन होते हैं? लो बर्थ वेट ऑफ द प्रीमैच्योर इन्फेंट। जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं और प्रीमैच्योर होते हैं उनमें लिपिड प्रॉपरली टॉलरेट नहीं हो पाएगा और इसे हम लिपिड इंटॉलरेंस कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज, जिसको लिवर डिजीज होती है उसको भी लिपिड इंटॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। देन हिस्ट्री ऑफ एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड, जिसके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसको भी लिपिड इंटॉलरेंस हो जाएगा। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, सो गए क्या? अरे निद्रा आ गई क्या भाई? कमेंट वमेंट भी नहीं आ रहे, तुम लोग सुस्त पड़ गए? एक लेक्चर भी एफर्ट नहीं हो रहा तुमसे रोज, और तुम मुझे कहते हो सर ओबीजी लगाओ, पीडिया लगाओ, सर ये लगाओ वो लगाओ। एक लेक्चर तो तुमसे एफर्ट हो नहीं रहा दिन भर में, उससे तो तुम उभर नहीं पाते हो पूरे दिन 24 घंटे में। एक लेक्चर मेरा प्रिपेयर कर लो पूरे दिन भर में, जिसमें ही मैं मानूंगा कि हाँ आप बहुत बड़े योद्धा हो। उस लेक्चर को पूरा पढ़ लेना मेरी क्लास को ही, फिर उसके बाद उस लेक्चर को आप लिख लेना, और फिर उसके बाद उसका टेस्ट दे देना और टेस्ट के क्वेश्चन लिख लेना। इतना काम कर लेना बस, जिसमें तुम्हारा दिन पास हो जाएगा। तुम्हारा लॉकडाउन तो सफल बना दिया मैंने पूरा एक भी नर्सिंग छात्र को परेशान नहीं होने दिया पूरे लॉकडाउन में, सारा लॉकडाउन सफल बनाया है और अब आगे भी सफल बनाएंगे। ये सुनो बोलो बब्बर शेरो, शर्माते बहुत हो एक तो तुम लोग यार, दिल खोल के बोल दिया करो जो दिल में आए, जो भी दिल में आ रहा हो दिल खोल के बोल दिया करो। तुझसे मिलने ना पता भी नहीं लगा ना लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो आइए जानते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ा देता हूं।
यदि अगर लिपिड इंटॉलरेंस हो जाए लिपिड इंटॉलरेंस हो जाए तो क्या करेंगे? मॉनिटर फॉर द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करिए, मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल फॉर इंपेयर्ड ऑक्सीजनेशन, मॉनिटर फेट ओवरलोड सिंड्रोम, मॉनिटर ट्राइग्लिसराइड लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, डिक्रीज कोगुलेशन, साइनोसिस, डिस्निया, मॉनिटर एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, चेस्ट पेन, बैक पेन और फीवर, एडमिनिस्टर द लिपिड कंटेनिंग सॉल्यूशन स्लोली। यदि लिपिड वाला सॉल्यूशन है तो इसको स्लोली एडमिनिस्टर करना है। ओके साथियों, नेक्स्ट अगला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है लिपिड पार्टिकुलेट एग्रीगेशन। ब्लड के अंदर लिपिड के पार्टिकल्स का कलेक्ट हो जाना क्या कहलाएगा? लिपिड पार्टिकुलेट एग्रीगेशन। इसका कारण होता है अनस्टेबल मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विद द लिपिड इमल्शन। लिपिड इमल्शन के साथ जो डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन जो चलता है उसकी कंसंट्रेशन बदलती रहती है और इसीलिए कई बार ब्लड के अंदर लिपिड्स का एग्रीगेशन हो जाता है। तो क्या हो जाता है साथियों? लिपिड पार्टिकुलेट एग्रीगेट हो जाएंगे। ऐसा ना हो इसके लिए ऑब्जर्व फॉर द क्रैकिंग और क्रीमिंग ऑफ द फ्लूड एंड अवॉइड यूज ऑफ द फ्लूड विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि अगर फ्लूड के अंदर क्रैकिंग या क्रीमिंग आपको नजर आ रहा है तो वी कैन यूज और नॉट, तो वी कैन नॉट बी यूज्ड। इस फ्लूड को यूज नहीं किया जा सकता है। समझ गए दोस्तों? आ जाइएगा स्पेशल नॉट क्या क्या कहते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी कुछ स्पेशल नॉट लास्ट के अंदर हम बात करते हैं और उन्हीं नॉट से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे। फर्स्ट देखिए, स्ट्रिक्ट सर्जिकल असेप्सिस इज मैंडेटरी थ्रू आउट द इंसर्शन ऑफ कैथेटर व्हेन हैंडलिंग द सॉल्यूशन और ट्यूब एंड व्हेन केयरिंग फॉर द साइट ऑफ इंसर्शन। दोस्तों, चाहे से हम कह रहे हैं आपसे कि कैथेटर इंसर्ट करते समय या फिर सॉल्यूशन को हैंडल करते समय या ट्यूब वगैरह को चेंज करते समय और या फिर इंसर्शन साइट की केयर करते समय, ड्रेसिंग वगैरह करते समय, इनमें से कोई भी एक्टिविटी यदि अगर आप कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स यहां पर इन समय पे मेंटेन करना चाहिए। द पेरेंट्रल लाइन कैन बी सर्व एज द एक्सीलेंट कल्चर मीडियम सिंस इट इज डायरेक्टली लीड टू ब्लड एंड बैक्टीरियल इन्वेजन लीड टू सेप्टिसिमिया। प्यारे साथियों, याद रखना आईवी लाइन के माध्यम से ब्लड से कनेक्शन है आईवी लाइन का, और ध्यान रखना यहां से बैथ करने के लिए बहुत ही शानदार खाना पीना मिलेगा। तो ये लाइन एक कल्चर मीडिया की तरह काम कर सकती है और इसलिए बैक्टीरियल इन्वेजन यहां पर काफी फास्ट हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। और स्पेशली क्या हो सकता है पेशेंट को? सेप्टिसिमिया होने के काफी चांस होते हैं। दोस्तों, स्पेशल नोट देखिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज नेसेसरी एज द पेशेंट इज नॉट टेकिंग एनीथिंग ओरली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिसको काफी समय से ओरल खाना नहीं दिया गया और उसे पेरेंट्रल चल रहा हो तो इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। एज नथिंग एंटर्स द जीआई ट्रैक्ट बॉवल एलिमिनेशन विल बी डिक्रीज एंड इट शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। अरे भाई, इतने समय से अगर इंटेस्टाइन में तो कुछ गया ही नहीं, तो जब इंटेस्टाइन में कुछ गया ही नहीं तो फिर इसको बॉवल एलिमिनेशन जैसी भी कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, तो पेशेंट को ये भी आप समझा दीजिएगा, वरना पेशेंट सोचे कि यार उसे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जाता है लेकिन आता ही नहीं है, तो उससे पेशेंट कहीं घबरा ना जाए, उसको समझा देना
कि तू जाएगा लेकिन तुझे आएगा नहीं, तू जाएगा लेकिन तुझे आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप जीआईटी रूट से तो कुछ दे ही नहीं रहे हो। अरे भाई बोलो, तो ये बात भी उसको समझा दीजिएगा। बिकॉज टीपीएन सॉल्यूशन आर हाई इन द ग्लूकोज, ग्लूकोज में हाई होता है, हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं। इन्फ्यूजन आर स्टार्टेड स्लोली टू प्रिवेंट द हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए ध्यान रखना, इन्फ्यूजन जो स्टार्ट किया जाना चाहिए वो धीरे धीरे शुरू होना चाहिए। अगर आपने स्पीडली स्टार्ट कर दिया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अस्टिन, आज तो पढ़ाने में मुझे ये ग्रीन पेन जो है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत शानदार मजा आ रहा है ग्रीन पेन से पढ़ाने में, राइट? और एक हाइलाइटर और ग्रीन पेन, इसके फंक्शन जो होते हैं ना टीचिंग के, मजा आ जाता है यार। तुम लोगों को भी मजा आ रहा होगा ना, ये सुनो। जाको राके साइया मार सके ना कोई, याद है तुम लोगों को ये वाली कहावत, जाको राके साइया मार सके ना कोई। यस, नेक्स्ट पॉइंट करता हूं बात, स्पेशल पॉइंट नंबर 5। रेट ऑफ इन्फ्यूजन फॉर एन अडल्ट इज 1 लीटर, 1 लीटर फर्स्ट डे, 2 लीटर फॉर 24 से 48 डे, 3 लीटर विद इन 3 to 5 डेज। देखना अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब बहुत जानदार क्वेश्चन आ गया है, बड़े ध्यान से सुनना। क्लियर? पहली बात, जब दोस्तों किसी को हम इन्फ्यूजन तरीके से पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं, तो पहले दिन पेशेंट को इन्फ्यूजन करने की रेट क्या रहेगी? सुनना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। जब हम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं साथियों, तो पहले दिन यानी फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितना फ्लूड देना है? 1 लीटर दिया जाता है। दूसरे दिन से लेकर के थर्ड डे तक और फोर्थ डे तक, यानी कि 24 से 48 घंटे तक, 2 लीटर प्रतिदिन इसको दिया जाता है। और थर्ड डे से लेकर के फिफ्थ डे के अंदर अंदर आगे तक फ्यूचर में अब 3 लीटर प्रतिदिन फीडिंग सॉल्यूशन इस पेशेंट को दिया जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये हो गए, बहुत ही जानदारे, लगाओ इस पे 2 स्टार का सम्मान और लिखो इस पे वीआईपी क्वेश्चन। जब हम टीपीएन शुरू करते हैं तो पहले दिन 1 लीटर, दूसरे दिन से लेकर थर्ड डे फोर्थ डे तक 2 लीटर प्रतिदिन सॉल्यूशन देना है, और थर्ड डे से लेकर फिफ्थ डे यानी 3 to 5 डे के अंदर अंदर से लेकर बाद में जितने भी दिन चलेगा तब तक प्रतिदिन पेशेंट को कम से कम 3 लीटर फ्लूड दिया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। दूसरे क्वेश्चन आते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन इन्फ्यूजन रेट। तो टीपीएन सॉल्यूशन का इन्फ्यूजन रेट, इन्फ्यूजन रेट जान लेते हैं साहब। इन्फ्यूजन रेट फर्स्ट डे का 40 ml पर हावर होता है, सेकेंड डे का इन्फ्यूजन रेट 80 ml पर हावर होता है, और थर्ड डे से लेकर अब आगे फ्यूचर में 120 ml पर हावर की रेट से टीपीएन फीडिंग सॉल्यूशन को इन्फ्यूज किया जाता है। समझ गए दोस्तों? बोलो ए, अरे भाई बोलो, जब्बर, क्या हो गया यार? अरे मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। लेक्चर पूरा समझ में आया ना? बात समझ रहे हो ना?
नंबर सिक्स पॉइंट, टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया वाइल डिसकंटिन्यूइंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन द सॉल्यूशन शुड बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली ओवर 48 आवर। जब कभी भी पेरेंटल न्यूट्रिशन बंद करने का समय आएगा, हटाने का समय आएगा, तो हमें कम से कम 48 घंटे पहले से ही, देखो दोस्तों जो सॉल्यूशन आप शुरू कर रहे हो, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीपीएन, तो टीपीएन देखो जो इसका ग्राफ चलता है वो कैसे चलता है। तो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट भी धीरे धीरे शुरू होगा और एक पीक लेवल पे आ गया, और फिर जब हटाओगे तो ग्रेजुअली ही इसको कम करना है। तो ये है स्टार्ट पॉइंट और ये है दोस्तों एंड पॉइंट, ठीक है। अब स्टार्ट पॉइंट पे देखना है हमें कि जब हम इस सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, जैसे ये फर्स्ट डे है, पहला दिन, ये सेकंड डे और ये है थर्ड डे। दोस्तों फर्स्ट डे पर 40 ml पर आवर की स्पीड रखनी है, सेकंड डे 80 ml रखना है और थर्ड डे से लेकर 120 ml पर आवर रखा जाएगा। और अब जितने भी दिन तक, माना कि 10 दिन तक इसको प्रोवाइड किया गया 10th डे तक, तो सेम रेट 120 ml पर आवर की कांस्टेंट रेट मेंटेन होगी। अब आपको पता है कि हमें दो दिन बाद यानी कि लगभग 12th डे पर इसको हटाना है टीपीएन से, तो टीपीएन से हटाना है तो 10वें दिन से ही धीरे 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 धीरे, यानी 48 आवर पहले से ही धीरे 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 टीपीएन का रेट वापस डिक्रीज होना शुरू कर देना है। समझ गए तो कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट, टीपीएन इज गिवन फॉर फ्यूअर देन 7 डेज। दोस्तों टीपीएन किसी भी क्लाइंट को 7 दिन से कम समय के लिए दिया जाता है। समझ गए, इस एग्जांपल से टीपीएन को मैच मत करना, अंडरस्टैंड। तो सिंपली मैंने केवल एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाया है, ये 7 दिन में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। और टीएनए सॉल्यूशन के बारे में, ये मैंने टीएनए के बारे में ये एग्जांपल मैंने समझाया था, जो 7 दिन से ज्यादा समय के लिए, 7 दिन से ज्यादा समय के लिए एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ओ दोस्तों वेरी गुड, शाबाश मेरे बब्बर शेरों शेरनियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज की मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, अब ड्यूटी है आपकी, आपकी बारी है अब वीडियो को शेयर करने की, लाइक करने की और कमेंट करने की, और ज्यादा से ज्यादा बुगली फ्रेंड्स बनाने की। बुगली को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, ऐसा करें। इसके साथ के साथ ही साथियों, आपको बुगली ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसमें स्किल टेस्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल है, इमेज बेस के कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्सेज को आप एक माइनर कॉस्ट पे बहुत ही कम चार्जेस के साथ एक्टिवेट भी कर सकते हो और एक सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई शुरू भी कर सकते हो। बुगली ऐप को जिन्होंने अभी तक गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के रेटिंग नहीं किया है, तो प्लीज 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 गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और बुगली ऐप को अभी और इसी वक्त रेटिंग करें, 5-स्टार रेटिंग करें और अपना एक जानदार सुंदर सा अल्टीमेट कमेंट भी साथ के साथ लिखना ना भूलें। थैंक यू, लव यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।